चांद पर भारत का मून मिशन चंद्रयान 3 अब तक पूरी तरह सफल रहा है। भारत ने अपने मिशन में चांद की सतह पर ऑक्सीजन, सल्फर जैसे तत्वों की खोज की है। इसके साथ ही चांद की सतह के तापमान को लेकर भी चंद्रयान 3 के रोवर ने कई अहम प्रयोग किए हैं और चांद की सतह के तापमान की जानकारी दी है। भारत के चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल ने 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इसके बाद से ही वो लगातार चांद से अहम जानकारियां भेज रहा था। इसी बीच इसरो ने भारत के चंद्रयान 3 मिशन को लेकर अहम जानकारी दी है। इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, चंद्रयान 3 के रोवर ने अपना असाइनमेंट पूरा कर लिया है। इसे अब सुरक्षित रूप से पार्क और स्लीप मोड में सेट कर दिया गया है। इसमें लगे दोनों पेलोड्स APXS और LIBS बंद कर दिए गए हैं। इन पेलोड से डेटा लैंडर के जरिए पृथ्वी तक ट्रांसमिट किया गया है। बैटरी पूरी तरह से चार्ज है। रोवर के सोलर पैनल को ऐसी दिशा में रखा गया है कि 22 सितंबर 2023 को जब सूर्योदय होगा तो सूर्य का प्रकाश सौर पैनलों पर पड़ेंगे। रिसीवर चालू रखा गया है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या चांद पर भारत का मून मिशन चंद्रयान 3 पूरा हो गया है या अभी भी मिशन बाकी है। इसरो ने इस सवाल का जवाब दिया है, चांद पर एक लूनर डे पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। ऐसे में आने वाले 5 या 6 सितंबर को चांद पर सूरज ढल जाएगा और इसके 14 दिनों बाद जब दूसरा लूनर डे शुरू होगा तब चांद पर दोबारा सूरज की रोशनी पड़ेगी। चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान को स्लिप मोड में डाल दिया गया है। ऐसे में 14 दिनों बाद जब चांद पर दोबारा सूरज की रोशनी पड़ेगी तो क्या होगा, इस पर भारत की नजर है। चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान के दोबारा नहीं जागने की स्थिति में क्या होगा, इसका एक परिदृश्य समझाते हुए इसरो ने पोस्ट में आगे कहा है कि वर्तमान में बैटरी पूरी तरह से चार्ज है। चांद के साउथ पोल पर अगला सूर्योदय 22 सितंबर 2023 को होगा। उम्मीद जताई जा रही है कि इसका सौर पैनल उस समय सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तैयार होगा। असाइनमेंट के दूसरे दौर के लिए रोवर और लैंडर के जागने की उम्मीद है, अन्यथा ये हमेशा के लिए भारत के चंद्र राजदूत के रूप में वहां पर रहेगा। बता दें कि लैंडर और रोवर को चांद पर 14 दिन के लिए काम करने के हिसाब से डिजाइन किया गया था। इसरो के मुताबिक विक्रम और प्रज्ञान दोनों ने उम्मीदों से बढ़कर असाधारण प्रदर्शन किया है। चंद्रयान 3 मिशन के सभी उद्देश्य पूरे हो गए हैं, इसलिए इसे स्लिप मोड में डाल दिया गया है। ऐसे में अब इसरो और भारत की नजर 22 सितंबर पर है, जब दोबारा चांद पर सूरज की रोशनी पड़ेगी और उम्मीद है कि भारत का मिशन दोबारा शुरू हो पाएगा। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।